हाय फ्रेंड्स, मैं गौतम। मैं आपको आज एडोबी पेज मेकर के अंदर किस तरह क्रॉप टूल का इस्तेमाल होता है, कैसे हम क्रॉप टूल इस्तेमाल करेंगे और कैसे पिक्चर को स्मॉल और लार्ज साइज बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडोबी पेज मेकर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप स्टार्ट मेन्यू में जाएँ, क्लिक करें, प्रोग्राम्स में जाएँ, एडोबी पेज मेकर क्लिक करें। ये हमारा एडोबी पेज मेकर प्रोग्राम खुल गया। ये टेम्पलेट्स है, इसे क्लोज कर दें। सबसे पहले क्या करेंगे, हम फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद न्यू पे क्लिक करें, नया पेज आएगा। इसमें अपने अनुसार लेटर या A4 साइज पेज चूज कर ले। ओके, ये पेज आ गया। अब पेज को हम एक्चुअल साइज, ये पेज स्मॉल साइज है, इस पेज के अंदर जब तक इसे लार्ज नहीं करेंगे या एक्चुअल साइज नहीं करेंगे तो काम करने में आसानी नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है, माउस पॉइंटर को पेज के मिडल में रखें, राइट क्लिक करें, एक्चुअल साइज क्लिक कर दें, पेज एक्चुअल साइज हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हैंड टूल पे जाएं, पेज को अपने अनुसार सजा लें। जैसे कि मेरे पहले वाले ट्यूटोरियल्स में मैंने आपको बताया था कि किस तरह पेज को हैंड टूल के माध्यम से पेज को लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या करें, फाइल के अंदर जाएं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल में जाने के बाद अब हमें पिक्चर लाना है। फाइल में जाएंगे, प्लेस क्लिक करेंगे। प्लेस पे क्लिक करते के साथ हमें क्या करना है, ये देखना पड़ेगा कि हमने फ़ोटो कहाँ रखा हुआ है। तो मैंने अपना फ़ोटो बॉलीवुड के अंदर रखा है। तो यहाँ पे जाने के बाद हम जो फ़ोटो आपको पसंद है यहाँ से चूज़ करेंगे। जैसे मैं ये फ़ोटो, जो फ़ोटो चाहिए उस पर क्लिक करेंगे, ओपन क्लिक कर देंगे और ये रेक्टेंगुलर बॉक्स आ जाएगा, उसको पकड़ के क्लिक करके ड्रैग करना होगा। तो ये हमारा पिक्चर आ गया। फिर से मैं दिखाता हूँ कैसे एडोबी पेज मेकर में हमें फ़ोटो किस तरह लाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, प्लेस पे क्लिक करेंगे और फिर इस जगह से हम फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने फ़ोटो के ऊपर क्लिक किया और फिर ओपन क्लिक, ये बॉक्स आएगा, बॉक्स पे हम ड्रैग कर देंगे, ये मेरा फ़ोटो आ गया। अब हमें क्या करना है, फ़ोटो को छोटा करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये इसे बोलते हैं क्रॉप टूल। इसे हम फ़ोटो को स्मॉल लार्ज अपने अनुसार काट कर, क्रॉपिंग का मीन्स मतलब होता है फ़ोटो को हम अपने अनुसार काट के छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये कोने पे स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इस कोने पे इस जगह से क्लिक करके इसको हम छोटा करेंगे। तो ड्रैग करेंगे, ये फ़ोटो मेरा जितना मुझे चाहिए उस हिसाब से हम इसे छोटा कर लेंगे। करने के बाद फिर पिक टूल पे क्लिक करेंगे, फिर फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। अब जब भी हम इसे ड्रैग करेंगे, खींचेंगे, तो बाकी का फ़ोटो नहीं आएगा, सिर्फ जो हमने क्रॉप किया था उसी फ़ोटो को हम लार्ज, स्मॉल या लार्ज कर सकते हैं। ये देखा आपने। सपोज़ फिर अगर दोबारा हमें उस पहली वाली तरह फ़ोटो चाहिए तो क्या करेंगे, फिर अगेन क्रॉप टूल पे जाएंगे, फिर से ड्रैग करेंगे। तो क्या देखेंगे, पाएंगे कि जिस तरह मेरा पहले वाला फ़ोटो था सेम उस तरह का फ़ोटो हमें मिल गया है। अगर फिर छोटा करना है तो हम इसे छोटा कर सकते हैं। मुझे ये साइज सिर्फ फेस का ये फ़ोटो चाहिए। इसको लार्ज करने के लिए जब क्रॉप कर लिया हमने, तो फिर पिक टूल पे क्लिक करेंगे, फिर इस फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे, तो फ़ोटो क्या होगा, बाकी का हिस्सा नहीं आएगा, सिर्फ जितना हमने क्रॉप किया था वही फ़ोटो, सिर्फ वही हिस्सा सिर्फ लार्ज होगा।
दोबारा अगर वापस आपको जिस साइज़ का फूल होता है उस साइज़ का करना है, तो फिर अगेन आप क्रॉप टूल पे जाएंगे, इसे ड्रैग करेंगे, तो खुद ब खुद जिस जो साइज़ था वो वापस मुझे मिल जाएगा। फिर जब काम हो जाने के बाद पिक टूल पे क्लिक करें और फिर एडोबी पेज मेकर को क्लोज़ कर देंगे। अगर सेव करना है तो यस करें, अगर नहीं करना है तो नो करें। तो देखा आपने किस तरह हमने फ़ोटो एडोबी पेज मेकर में फ़ोटो लाया और किस तरह उसे क्रॉप किया। तो इसी तरह आप हम मेरे ट्यूटोरियल्स देखते जाइए, उस तरह मैं आपको नए नए ऑप्शन, नए नए कमांड एडोबी पेज मेकर में को बताता जाऊंगा। धन्यवाद।